बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बीआरएस मदद करती है, तेलंगाना में बीआरएस की नरेंद्र मोदी मदद करता है। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस है। ईडी ने मेरे से 55 घंटे सवाल पूछे, हर रोज 12 घंटे 5 दिन के लिए। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया। जब इन्होंने मेरा सरकारी घर छीना, मैंने कहा ले लो घर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। केसीआर पर नरेंद्र मोदी ने एक केस नहीं डाला, एमएलएशिप रद्द नहीं की, घर नहीं छीना, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। लोकसभा में 24 घंटा बीआरएस उनकी मदद करती है, और यहां पे इन दोनों का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को हराने का है। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां पे एमआईएम टिकट दे देती है। उनकी एमएलए की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे एमएलए बीजेपी की मदद करने के होते हैं। महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए एमआईएम खड़ी हो जाती है। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, और हम बीआरएस को यहां पे हराने जा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं उनको, और फिर उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान, कांग्रेस केसीआर ओकटे, इद्दरी तो जागृत गा उड़ंडे। बीजेपी मात्र में तेलंगाना प्रतिष्ठनु पेंचुतुंदी। बीआरएस जैसी एक बीमारी का विकल्प कभी कांग्रेस जैसी दूसरी बीमारी विकल्प नहीं बन सकती। बीआरएस और कांग्रेस, इन दोनों बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है।